अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो वीडियो आप लोग देखेंगे वो वीडियो कोई यूट्यूब पे नहीं है, किसी प्रोग्राम पे नहीं है, किसी लोगों के बारे में नहीं है। ये वीडियो स्पेशल जो मैं इस वक्त बना रही हूँ, ये उस बच्ची के लिए है जो आज पाकिस्तान पहुँची, सबी का, जी हाँ, सबी का शेख के हवाले से एक वीडियो। मेरे दिल में आया कि मैं आपसे कुछ अपनी फीलिंग शेयर करूं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, बल्कि 6 से 7 का टाइम हो चुका है, और पिछले 1.5-2 घंटे से हम लोग टीवी पे वो तमाम चीज़ें देख रहे थे जो देखने के बाद शायद हर वालदेन इस वक्त रो रहा होगा। सपीका के बारे में कैसे गई, क्या फीलिंग थी, वालदेन क्या चाहते थे, वो क्या चाहती थी, सबसे बड़ी थी, वो तमाम चीज़ें हम इस वक्त टीवी पे मतलब देख रहे थे। और देखने के बाद मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरे घर वाले सब रो रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले भी एक जो वाक्या हुआ है वादी नीलम पे, जो बहुत सारे लोग वहाँ पे शहीद हो गए, शहीद ही कहूँगी, जो बह गए पानी में, और कुछ लोगों की अभी तक लाशें नहीं मिली हैं, तो वो सदमा भी इतना इतना ज़्यादा, कहते हैं ना, दिल को छू लेने वाला था कि हम अभी तक उससे भी बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी के लोग, बच्चे थे, घर से पढ़ने निकले थे, और पढ़ने के बाद जब वो इन्जॉय करने के लिए ग्रुप में गए तो ये हादसा हो गया और इस हादसे का वो शिकार हो गए। सबीका के बारे में ये कहूँगी कि आज मुझे उसको देखकर इस चीज़ की हिम्मत हुई कि हम अक्सर कहते हैं कि जी हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने हर किसी इंसान को पीछे छोड़ देना है, हमने फलां शोबे में इतनी तरक्की करनी है कि लोग हमारी मिसालें दें। लेकिन आज वो 17 साल की बच्ची जो बहुत खूबसूरत से ख्वाब लेके इस दुनिया से गई, उसके वालदे ने सोचा था कि वो उसको मतलब पढ़ाने के बाद उसकी बहुत अच्छी तरीके से शादी करेंगे, उसने पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे। जिस तरह वो वहाँ पढ़ने गई थी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने गई थी, कितने वहाँ उसके दोस्त बने, कितने वहाँ उसके प्यार करने वाले लोग उसको मिले, लेकिन वही बात है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता। हमें तो ये भी नहीं पता हो कि हमें अगला पल हमारा है कि नहीं है। हम हमेशा तीरा और मीरा के चक्कर में लगे रहते हैं, हमेशा हमेशा। और हम जब कभी दूसरों के लिए भी सोचते हैं तो हम कहते हैं उसमें हमसे ज़्यादा अच्छा क्या है जो उसको ये सब कुछ मिल गया, तो शायद उसमें कुछ तो अच्छा होगा ना जो अल्लाह पाक को पसंद आया। आज मुसलसल न्यूज़ हम लोग देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और मैं यही सोच रही थी कि हम बहुत नाशुक्र हैं, अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है, पर हम कहते हैं नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने और कुछ हासिल करना है, हमने आगे जाना है, हमने नाम बनाना है। लेकिन वो फूलों जैसी बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं है, सबसे पहले उसके लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको बहुत अच्छे दर्जात पे जगा दे। मासूम कहते हैं ना, जो लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो सेज के लोग होते हैं, वो मासूम होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आती कि किसी से फ़ायदा कैसे लेना है, उनको ये समझ में नहीं आती कि किसी को चीट कैसे करना है, उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि मोहब्बत से किस तरह लोगों के दिलों में जगह बनानी है। तो तरबियत बहुत अच्छी, वालदैन बहुत अच्छे, और प्लीज़ आप सब लोग जो इस वीडियो को देखें स्पेशल, उसके लिए ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रमज़ान का महीना है, और इतने अच्छे महीने में इसलिए कहूँगी कि बहुत लकी लोग होते हैं जो इस महीने में जाते हैं। बेशक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन वो बहुत नेक, और कहते ना शायद वो इतनी प्यारी थी अल्लाह को कि अल्लाह ने उसे बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। खैर, उनके घर वालों का कहते ना दुखों का हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते दावा कि हम कहें कि हाँ जी हम उनको चुप करा सकते हैं या कह सकते हैं कि अल्लाह सब्र देगा, क्योंकि चीज़ का सब्र उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आना। जिसकी कोई चीज़ जाती है उसको पता होता है कि उसने क्या खोया है। लेकिन ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि प्लीज़, ऐसी बहुत सी बच्ची हैं जिनका पता नहीं चलता, जो टीवी पे नहीं आती, जिनको उस एजाज़ के साथ दफनाया नहीं जाता, जिनके जनाजों पे बड़े बड़े लोग नहीं जाते, और वो गली मोहल्लों में मर जाती हैं,
और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता। तो आप प्लीज़ इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बख्शिश की भी दुआ करें, ताकि क्या पता उनकी बख्शिश की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। तो बस ये मैसेज आप सबके लिए है कि वक्त मुख्तसर है, तो बस सब में अच्छाइयाँ और मोहब्बतें बांटें। थैंक यू।